नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। दोस्तों, आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया, और कहां गायब हो गए वो लोग जो इस पर्वत पर चढ़ाई करने गए थे? क्या आज भी भगवान शिव वहां निवास करते हैं? ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स और रहस्य को आज हम इस वीडियो में बताएंगे। कैलाश पर्वत, जिन्हें माउंट कैलाशी भी कहा जाता है, जो कि चीन के तिब्बती क्षेत्र में स्थित एक पवित्र पर्वत है। यह पर्वत ट्रांस हिमालयन रीजन में स्थित है। दोस्तों, ट्रांस हिमालयन रीजन की बात करें तो इन्हें तिब्बत हिमालयन रीजन भी कहा जाता है, और यह ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है, और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश की पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल है, जो मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती है। और बताते चले कि एशिया की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनमें से कुछ नदियां जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली के ओरिजिन के पास है। और दोस्तों, इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 22,000 फुट यानी कि 6700 मीटर है, जिसके कारण इसकी चोटी पर कभी वर्षा नहीं होती और ये हमेशा से वर्षा मुक्त रही है, और इन्हें इनकी पिरामिड जैसी शेप के कारण ही पहचानी जाती है। और दोस्तों, कैलाश पर्वत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्राचीन बौद्ध धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखता है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो कहा जाता है यहाँ भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर पवित्र स्थल जैसे कि मानसरोवर झील, राक्षस ताल और गोरी कुंड होने से यह एक धार्मिक स्थल भी माना जाता है। जानते हैं कि क्या है इस पर्वत का राज। पौराणिक कथाओं और मोंटेनियर्स तीर्थयात्री की माने तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे UFOs और अदर ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा है। एक अलग तरह की एनर्जी को महसूस किया है, इसे हम एलियंस की एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी रहस्य यही है कि कैलाश को हमेशा से एलियंस से जोड़ा गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि कैलाश का एलियंस से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। किसी का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उन्हें बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखे हैं, तो किसी का कहना है कि उन्होंने वहां 5,000 से 6,000 फीट ऊपर भालू और बंदरों का मिला जुला स्वरूप देखे हो, जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं और वो करीब 12 से 15 फीट ऊंचे होते हैं, जिससे वो बहुत डरावने भी दिखते हैं, जिसे इंसानों द्वारा इम मानव कहा जाता है। और पौराणिक कथाओं की माने तो 7 इमोटल्स, जिसे हम 7 चिरंजीवी भी कहते हैं, उनमें से एक हमारे हनुमान जी भी है। तो ये भी हो सकता है ये हिमानव हनुमान जी ही हो। सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब फिर भी वही कि हिमानव के राज भी हिमालय और कैलाश पर्वत जैसे पहाड़ों के ऊपर ही कैद है। अब उसके चोटी तक कोई पहुंच नहीं पाया तो कैसे उन राज से पर्दा उठाया जा सकता है? अगर आपको हिमानव और महामानव की पूरी स्टोरी जाननी हो तो आप हमारे चैनल पे उनकी फुल वीडियो देख सकते हैं। अंततः हर किसी की अनुमान और मान्यताएं अलग अलग है, और इसमें कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इन सभी घटनाओं को सत्यापित नहीं किया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है कैलाश पर्वत का राज? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक खोए रहे आप अपने रहस्यों में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।